हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गगन जोशी अपने नए ब्लॉग में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों यहां पे देखिए हम लोग आ गए हैं। अभी यहां पे देखिए कितना ग्रीन ग्रीन सा हो रहा है। खुशी कानू भी यहां पे आए हैं मेरे साथ। और आज संडे है तो आज फंडे है, तो आज यहां पे हम लोग खेत में आए और ये खेत में अभी थोड़ी देर पहले हमने बुवाई करवाई थी। देखिए कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन से छोटी छोटी सी घास हुई है ये देखिए। तो चलिए अब खेत में चल रहे हैं और देखते हैं खेत में कैसा हो रहा है। और धूप आई है अच्छी सी बढ़िया सी और मैंने हाफ पहना। सुबह तो बहुत ठंडा होता है लेकिन मैं सुबह जल्दी उठ गया था, काफ़ी ठंडा होता। ब्लॉग मैंने अब इसलिए शुरू करा देर में क्योंकि एडिटिंग करा था, अब जाके अपलोड किया है कल का वीडियो, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। थोड़ा रात को एडिटिंग करता हूँ, थोड़ा सुबह करता हूँ तब जाके वो पता नहीं, क्योंकि एडिटिंग में मुझे बहुत टाइम लगता है, पता नहीं औरों को कितना लगता है, मेरे को काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलिए देखते हैं खेत में कैसा हो रहा है, थोड़ा खेत में घूम लेते हैं सुबह से, उसके बाद देखिएगा आज वीडियो में क्या मस्ती होगी। आज संडे है तो आज क्या करने वाले हैं, काम धाम है ना। ये देखिए आप दिवाली चलेगी तो आप सारे फूल आप खिले हैं, ये देखिए ये बहुत सारे खिले हैं। और ये देखिए रोबो भी आ गया, आ जा रोबो, पता नहीं किसके पीछे दौड़ा था अभी ये बहुत तेज से। और यहाँ पे देखिए धान डाल रहे हैं हम, मैंने इतने धान डाल दिए हैं और इतने बच्चे हैं, इनको भी डाल देता हूँ धूप में। ये देखिए खुशी यहाँ पे स्टोरी पढ़ रही है और यहाँ बच्चे भी लेटे हैं साथ में, ये किसानों के बच्चे देखो कट्टों में धान के गेहूं के। तो दोस्तों समय हो गया 10:30 और अब यहाँ पे जो ये लड़ियाँ लगी है ना ये निकालनी है, धूप बहुत तेज हो गई लेकिन चलो कोशिश करते हैं। हम अब हम मालाएं खोल लें लड़ियाँ। तो दोस्तों जैसे कि आज संडे है तो मैंने सोचा कि अपनी स्कूटी की मैं सर्विस कराऊं, तो मैं आऊं देखिए मोटाल में गोलजी ऑटोमोबाइल में और यहां पे ले आऊं स्कूटी। मैं दिखाता हूं आपको नज़ारा अंदर का। ये देखिए विकास भाई हैं, ये कर रहे हैं बाइक की सर्विस, अब करेंगे हमारी स्कूटी की सर्विस। पंप से ला रहा, हाँ देखो ये देखो दोस्तों यहाँ पर ऑयल चेंज हो गया है और ऑयल जो मैं ना मैं पंप से लेके आता हूँ, जैसे रिलायंस पंप से या कहीं से पंप से लेके आता हूँ, अलग से रख लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा विश्वास नहीं होता है मुझे बाहर के ऑयल का। हाँ ये ऑयल है देखो, ये विकास भाई है हमारे और इसके साथ ये गियर ऑयल भी आया है देखिए। और मैंने बहुत दिन पहले रख के रखा है, एक हफ्ता हो गया पता है, एक हफ्ते से रखा ही है वो स्कूटी में लेके। मैंने कहा जब भी टाइम मिलेगा उस दिन करा लूँगा। तो ये अब लगभग यहाँ पे तेल चेंज हो गया यहाँ पे, लेकिन ये तेल जो काला वाला है ना ये जो निकला है मोबाइल का, ये मैं घर ले जाऊँगा अपनी कुट्टी मशीन के लिए। ये देखो ये हमारे घर पर भी काम आ जाता है कुट्टी मशीन। तो यहाँ पर पांडे जी हैं, गौरव भाई हेलो। ये देखिए तो इनका है ये वर्कशॉप, तो हम लोग यहीं पे कराते हैं स्कूटी का काम। ये देखिए यहाँ पे हमारा गोलजी सर्विस सेंटर, हमारे वहाँ टू व्हीलर और फोर व्हीलर सबकी सर्विस होती है, सबके पार्ट्स मिल जाते हैं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बिल्कुल। और यहाँ इनके मच्छर काट रहे हैं हमें जी। अभी तो पांडे जी बता रहे हैं कि ए पॉजिटिव और ए बी वाले को और ओ पॉजिटिव वाले को मच्छर सबसे ज्यादा मच्छर काटते हैं, सबसे ज्यादा मच्छर काटते हैं जी। और बी पॉजिटिव वाले को मच्छर नहीं काटते हैं। अच्छा। अगर आप किस आप भाइयों बहनों किसी का भी बी पॉजिटिव है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मच्छर नहीं काटेंगे। देखो नई जानकारी, लाइक होना चाहिए नई जानकारी के लिए। तो मैं अपनी जो स्कूटी है ना इसकी सर्विस टाइम पे कराता हूँ, हमेशा कराता हूँ, कराता हूँ पांडे जी बताओ। जी सर बिल्कुल बिल्कुल टाइम पे और बिल्कुल फिट रखता हूँ। गाड़ी फिट ना हो तो मजा नहीं आता ना यार, गाड़ी फिट होनी चाहिए। देखो 2015 मॉडल है, 2015 मॉडल है शायद मेरी ये, और इतनी फिट गाड़ी है, नई गाड़ी के जैसे चलती है बिल्कुल। विकास भाई कैसी है मेरी स्कूटी बताओ। ओके है ना, सर्विस टाइम पर कराता हूँ नी बिल्कुल। यार मैं सबसे कहूँगा जो भी मतलब अपनी व्हीकल है उसका मतलब टाइम पर सर्विस कराएं यार, लापरवाही ना करें सर्विस कराने में। बेकार हो गई, अब ये बेकार हो गई देखो। ये देखिए यहाँ पे है पांडे जी का ऑफिस, देखिए बिल बनने लग गया हमारे स्कूटी का। तो दोस्तों स्कूटी की फाइनल धुलाई हो रही है शैम्पू के साथ, बस होती धुलाई और निकलते हैं घर को।
अब मैं पहुंच गया हूं घर और लंच का टाइम हो गया है। और ये देखिए स्कूटी देखिए अब कितनी बढ़िया चमक रही है। ये देखिए मैं तो धोते हुए फटाफट ले गया, घर से फ़ोन आ गया था, मैं फटाफट दौड़ा धोते हुए, मैंने कहा बस धो दो और चलो। तो दोस्तों आप कर लेते हैं लंच, राजमा की दाल है और हम वैसे ज़्यादातर संडे को राजमा की दाल बनाते हैं या छोले बनाते हैं, और चावल और बैगन आलू की सब्जी है। तो लंच करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम बनता है। तो दोस्तों अब हमने यहाँ देखिए जो धान सुबह डाले थे वो सारे उठा दिए हैं और थक गए, हालत ख़राब हो गई है। लेकिन अब हम नहा धो के मंदिर जा रहे हैं, एक मंदिर हल्दीचौड़ है जहाँ पे हमारी ज़मीन है वहाँ बगल पे। तो वहाँ मैंने बताया था आपको कि वहाँ से इनविटेशन आया था कि भाई 28 तारीख से वहाँ भागवत है तो आना ज़रूर, तो जा नहीं पाया आपको पता ही है। और कोशिश मैंने बहुत करी लेकिन जा नहीं पाया, मैं आज भी ज़्यादा जल्दी जाऊँगा लेकिन नहीं जा पाया। तो लेकिन अब जा रहे हैं नहा धो के, फटाफट जाएँगे वहाँ दर्शन करके आएँगे और प्रसाद लेके जाएँगे और फटाफट वापस आएँगे। तो ये देखिए बच्चों की आउटिंग भी हो जाएगी और मेरे, मैं दर्शन करना चाह रहा वहाँ मंदिर के, तो वो भी हो जाएगा। देखिए तो चलिए चले बच्चों, चलो। देखो यहाँ कितनी अच्छी मूर्ति रखी है पेड़ में। तो दोस्तों देखिए हम आ गए हैं यहाँ अपने खेत में हल्दीचौड़ में, और वो देखिए वहाँ पे मंदिर जो है उसमें भजन कीर्तन अभी मैं आपको दिखा था और वहीं हो रहा है देवी भागवत। और यहाँ से वो जो जहाँ पे दिख रहा है मंदिर वहीं पे हमारी ज़मीन वहाँ तक है, लगभग वो जो दूसरी मिनट दिख रही है वहाँ तक है। और ये देखिए बच्चे खूब मस्त हो रहे हैं और यहाँ का मौसम देखिए आप कितना मस्त हो रहा है। ये देखिए पूरे खुले खुले खेत हैं यहाँ, ये देखिए मस्त बिल्कुल, दूर दूर मकान हैं, लंबे लंबे खेत हैं। ये देखिए हाँ इधर प्लॉटिंग हुई है हमारे खेत के बगल वाले में, तो यहाँ पे जो प्लॉटिंग है यहाँ पे बहुत सारे मकान हैं, देखिए ये प्लॉटिंग हुई है। तो अब निकलते हैं घर को, चलिए अंधेरा होने वाला है, पापा जगह था जल्दी आ जाना टाइम पर, चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों के लिए देखिए यहाँ चाउमीन और समोसा आ गया है, शाम को समोसा खाना है उसी पर मुझे चाउमीन खानी है। ये भैया लेके आए इस पारी हट के हल्दीचौड़ में, ये देखिए। तो आप आज संडे है तो थोड़ा सा बच्चों का एंजॉयमेंट तो होना ही चाहिए, तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों 6:30 हो चुका है और हम लोग घर पहुँच चुके हैं और ठंडा हो रहा है मौसम, मज़ा आ रहा है ना। वहाँ कितना मजा आया तुम्हें बताओ, बहुत चाउमीन और वो खाने में समोसा खाने में, मोमो भी खाया इन्होंने थोड़ा सा। हमने एक ही प्लेट लिया मोमो, 6 पीस आए थे, 6 पीस में हमने 2-2 पीस खाए। इसका एक गिर गया। और ये देखिए हाँ इसका गिर भी गया था, फिर हमने आधा दिया। ये देखिए रोबो को देखिए 10 और अब हो रही है सोने की तैयारी, डिनर कर लिया बच्चों ने, बड़ी मुश्किल से डिनर का क्योंकि ये चाउमीन मोमो और थोड़ा थोड़ा समोसा ये सब चीज़ खा के आए थे हल्का हल्का, तो इनका पेट से भरा था। कन्नू तो सो गया था बल्कि, इसको तो फिर मैंने बाद में सोए में खिलाया है और खुशी को भी बड़ी मुश्किल से खिलाया, ये भी करती मैं नहीं खाती हूँ। तो अब करते हैं ब्लॉग को एंड, करते हैं सोने की तैयारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे ब्लॉग देखते रहें। तो दोस्तों टाइम लगभग 1:15 हो चुका है, देखिए 1:15 से भी ज़्यादा हो गया और मैं एडिटिंग कर रहा था अभी तक, तो मुझे अब भूख लग गई यार। मैंने फिर ये देखिए सेब काट लिया है, छील लिया है, तो अब मैं सेब खा लेता हूँ, उसके बाद मैं सोता हूँ यार, फिर सुबह करूँगा बाकी एडिटिंग।